बीटा। तो रेंज इज इक्वल टू, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, टू यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गई मेरे पास, रेंज। मैंने एक्स की जगह पुट कर लिया तो रेंज आ गई। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके असाइनमेंट में लिखा हुआ है पेज नंबर टू पे। तो रेंज की वैल्यू आपके पास इसके इक्वल आ गई। और मेडिकल वाले लोग समझ लें कि ये टू इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। देखो मेडिकल के लोग जितने भी हैं वो ये सोचें कि ये जो एंगल है कॉस के आगे सपोज वो ए है और साइन के आगे एंगल सपोज बी है। और मैथ्स में फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, टू कॉस ए साइन बी को मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो आप अगर ये वैल्यू यहाँ पर अब करनी नहीं है, जैसे बता रहा हूँ मैं, अगर ये वैल्यू ए और बी और नॉन मेडिकल वाले को समझ सकते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में आप करते हैं, इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो आपके पास सीधा आंसर आएगा यू स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाई जी इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये इसको मॉडिफाई करके ट्रिग्नोमेट्री लगा के इस फॉर्म में हमने आंसर निकाल लिया। तो रेंज का जो फॉर्मूला आएगा इंक्लाइन प्लेन पे वो इसके इक्वल आएगा। तो असली जो क्वेश्चन है वो रेंज की बजाय मैक्सिमम रेंज पे आता है। अब ये सुन लो, रेंज का फॉर्मूला आपने टाइम ऑफ फ्लाइट नोट कर लिया, रेंज नोट कर लिया, प्रूफ काम नहीं आएगा, फॉर्मूलास काम आएंगे इन द एंड। और लास्ट है मुझे रेंज को क्या करना है, मैक्सिमम। रेंज को मैक्सिमम करने के लिए साइन थीटा या साइन ऑफ जो भी एंगल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू मैथ्स में क्या होती है, वन। तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा दूसरे बैच में, आप क्या करोगे, वो कहता है देखो इस साइन ऑफ जो भी एंगल है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वन, और ऐसी इस साइन की मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होगी, वन। वो कहता है वन में से वन गया तो आंसर आया जीरो, तो रेंज शुड बी जीरो। यानी कि अगर मेरे सामने पहाड़ है इतना बड़ा टेढ़ा और मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल ऊपर नहीं जाएगी, बॉल जहां से फेंका वहीं पर वापस आएगी, रेंज जीरो। ये तो नहीं होता, बॉल पहाड़ पे जाके किसी इंक्लाइन पे जाके टच करेगी, क्यों नहीं करेगी। तो क्या गलती थी उसमें, नहीं 45 का कोई चक्कर नहीं, बोलो साइन बीटा वन नहीं होगा, बिल्कुल ठीक। क्यों, क्योंकि बीटा किसका एंगल था, इंक्लाइन प्लेन का। आप वो एंगल थोड़ा चेंज कर लोगे, इंक्लाइन थोड़ा चेंज करोगे, आप बॉल के फेंकने का थीटा चेंज कर सकते हो। तो इन दोनों चीजों में थीटा इज अ वेरिएबल बट दिस इज नॉट अ वेरिएबल, दिस इज अ कॉन्स्टेंट, तो इसकी वैल्यू तो फिक्स है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए इस वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, वन। तो रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला बनेगा यू स्क्वायर वन माइनस साइन ऑफ बीटा बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से आपके पास फाइनल आंसर आएगा यू स्क्वायर बाय जी वन प्लस साइन ऑफ बीटा। बस प्रूफ तो मुझे नहीं पता कि आप याद करोगे, कोई जरूरत नहीं याद करने की, कुछ नहीं करना आपने, जो समझ में आ गया ठीक हो गया, आपको नहीं कुछ पढ़ना इसे, बस एक चीज पढ़नी है मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है, ये नोट करके इसको याद कर लो, जो क्वेश्चन आएगा या वो टाइम ऑफ फ्लाइट पे आएगा या वो मैक्सिमम रेंज पे आएगा, नीट या मेज में सिर्फ, उसके बियॉन्ड तो पता नहीं क्या आएगा, वो तो उन्हीं की सोच है वो क्या बनाएंगे। बट समझ में आ रहा है, जो भी बनेगा कॉम्पोनेंट्स एक्सेस एक्स को चेंज करना पड़ेगा हमें जो भी करेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, वाला स्टेप जो वेरिएबल होता है उसी को चेंज कर सकते हैं। एंगल ऑफ थीटा बॉल का एंगल है तो कितने एंगल पे फेंकोगे ताकि साइन की वैल्यू क्या आ जाए, मैक्सिमम। ये कॉन्स्टेंट है, इसको नहीं वन पुट कर, ये फिक्स है, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला याद रहेगा यहाँ पे, मैक्सिमम रेंज का, सॉरी वो रेंज का तो मेरे को भी याद नहीं, सच बताऊं तो मैक्सिमम रेंज का याद है, मेरे से लिखवाओगे मेरे को नहीं याद वो फॉर्मूला क्या, सच बताऊं तो मतलब इतना कम यूज होता है कि मैंने कभी मतलब कभी दो बार यूज किया हो एक साल में, अगले साल में फिर भूल जाता हूँ यार क्या फॉर्मूला है। बना सकता हूँ लेकिन मेरे को याद नहीं रहता, मेरे को ये मैं ऑप्शन मार्क कर सकता हूँ क्योंकि ये ज्यादा दो चार बार यूज हुई है, ठीक समझ में आ रहा है। तो मतलब मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप रेंज याद करोगे, मैक्सिमम रेंज कर दो। वन माइनस साइन बीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन बीटा इंटू वन प्लस साइन बीटा, क्लियर है यहां तक।
और बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं प्रोजेक्टाइल को अब ऊपर ना फेंकते हुए कैसे फेंकूं, नीचे फेंकता हूं कैसे, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ कितना बीटा, सपोज करो स्ट्रेट लाइन है तो अगर ये बीटा तो अल्टरनेट से ये भी बीटा, मैंने यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर बॉल को फेंका तो मुझे एक चीज पता है नए, ये मेरा कौन सा एक्सिस है नया एक्स एक्सिस और ये मेरा कौन सा एक्सिस बनेगा नया वाई एक्सिस, तो इसमें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए यू इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस बीटा, यू इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा, और एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, ये जी बना लेंगे, ये बीटा हो जाएगा इंक्लाइन प्लेन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा जी इंटू कॉस बीटा और इस तरफ जी इंटू, अब एक्स एक्सिस की एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है, तो ये बनेगी प्लस जी साइन बीटा, लेकिन वाई एक्सिस में माइनस जी कॉस बीटा। तो बाकी रूल सेम है, तो आपने ये जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो घर जाके इसके प्रूफ को देख सकते हैं, नए वाई एक्सिस में यू हैव अगेन अप्लाइड एस यू टी प्लस हाफ एटी, इसको देखने की जरूरत नहीं पर अगर कोई इंटरेस्टेड है वो प्लीज स्टेप्स को देख ले। तो यहां से आपके पास जो आपने याद करना है वो याद करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये बॉल कितनी देर में नीचे आई, बॉक्स में डाल लो इसे, टू यू साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा बाय जी कॉस बीटा, तो चेक कर सकते हो असाइनमेंट में लिखा हुआ है, फॉर्मूला याद करना है। पहले वाले केस में फॉर्मूला क्या था, जब ऊपर फेंका था थीटा माइनस बीटा, इसमें क्या हो गया थीटा प्लस बीटा, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक ठीक। और उसी तरीके से आपने मैक्सिमम रेंज याद करनी है अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे मैक्सिमम रेंज को अगर हम प्रूव करेंगे तो हमारे पास आएगा यू स्क्वायर जी वन माइनस साइन बीटा, अगर ऊपर फेंकते हैं तो क्या आता है प्लस, जब नीचे फेंकेंगे तो वन, बस ये चार फॉर्मूलाज याद हैं क्या, देख लिया आपने याद हो जाएंगे, सफिशिएंट है, बस टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम रेंज याद है सफिशिएंट है ठीक। कोई डाउट इसमें ठीक। एक होमवर्क है, मैंने एक न्यूमेरिकल लिख के दिया हुआ है, टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट वाला लिखा हुआ है, इसी पेज पे आखिरी में लिखा हुआ है एक न्यूमेरिकल ठीक है, चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं आप, और पीछे सॉल्व भी किया हुआ है आपका होमवर्क ये है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी आपको मालूम है, सिर्फ इस सॉल्यूशन को देख के आपको समझ के मुझे नेक्स्ट टाइम बताना है कितने लोगों को समझ में आया, बस बस ये एक्सरसाइज है, इतनी आसान एक्सरसाइज हो सकती है, आज के लेक्चर के ऊपर बेस्ड है, फॉर्मूला लिख दिया कैसे करना है वो भी बता दिया, बस एक काम करना है आपने कि कैसे सॉल्व किया, बस यही पूछना है मुझे नेक्स्ट टाइम कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, दैट्स इट, ये हो जाएगा होमवर्क, इससे आसान होमवर्क तो नहीं हो सकता, इससे आसान तो ये होता है मैं आपके घर चलता हूं और वही सॉल्व करके समझा के आ जाता हूं, इतना नहीं, इतना भी मत करो, तो यस तो बोल दिया करो कम से कम, हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं कितनों की आवाज़ निकलती है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना कितनी जोर की बोलते हैं, ये स्कूल लेके जाती हो ये होमवर्क, होमवर्क कुछ करने के लिए साथ में, टाइम बहुत होता है स्कूल में करने वाला, असाइनमेंट्स वगैरह लेके जाना चाहिए ठीक ओके।